हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कार्निवल रो सीजन 2 का लास्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 10। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपने अब तक इसके पहले का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, तभी आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि उस हमले के बाद कार्निवल रो के बाहर कुछ लोग कार्निवल रो के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस उन्हें रोक रही है। उसी दौरान फाइलो कार्निवल रो के बाहर मिलवर्दी से मिलने जाता है। डेरियस अब खुद टर्मलिन की रक्षा करेगा। तब टर्मलिन डेरियस को जाने को कहती है, क्योंकि अगर डेरियस गलती से वेयर उल्फ बन गया तो वो उसे संभाल नहीं पाएगी। यह सुनकर के डेरियस वहाँ से चला जाता। वहीं दूसरी तरफ केन और विनियर लियोनोरा के पास आते हैं और लियोनोरा बताती है कि हमें कैसे लड़ना है, और अपना प्लान बताती है कि अगर पुलिस अंदर आ जाएगी तब उन्हें कैसे रोकेंगे। साथ ही साथ लियोनोरा यह भी बताती है कि स्पैरस यहाँ नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका काम कहीं और है। केन और विनियर उन लोगों का ध्यान खींच कर एक जगह लेकर आएगी। और वहीं दूसरी तरफ मिलवर्दी पैक्ट के अम्बेसडर और मेजर वीर के साथ संसद में आता है। मिलवर्दी पैक्ट के अम्बेसडर को यह बताता है कि न्यू डॉन की तरफ से मिस इमोजिन एक छोटा सा भाषण देने वाली है, जिसके बाद आप संसद में अपनी बात रख सकेंगे। तब तक आपको बाहर बैठना होगा, और उन्हें कमरे में बिठाकर चला जाता है, जहाँ दूसरी तरफ इमोजिन कैस्टर के साथ बैठी हुई है। कैस्टर इमोजिन को न्यू डॉन की तरफ से उसे क्या बोलना है उसे एक कागज देता है, जिसमें उसका भाषण लिखा हुआ है। कैस्टर इमोजिन को धमकाता भी है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर कैस्टर मेजर वीर की तरफ देखता है। इमोजिन यह गौर करती है कि मेजर वीर भी कैस्टर को देख रहा है और दोनों इशारों में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिलवर्दी वहां आकर कैस्टर और इमोजिन को संसद में लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी इमोजिन अचानक गिर जाती है, जिसे मिलवर्दी उठाने लगता है और कैस्टर को पानी लाने को कहता है। उसी दौरान इमोजिन मौका देखकर मिलवर्दी को यह बताती है कि कैस्टर मेजर वीर को देख रहा है और दोनों इशारों में बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेजर वीर भी न्यू डॉन से मिला हुआ है। उसके बाद मिलवर्दी मेजर वीर से बात करने लगता है। मिलवर्दी मेजर वीर से सीधा पूछ लेता है कि वो न्यू डॉन के लिए कब से काम कर रहा है, पर मेजर वीर मिलवर्दी को एक अच्छा इंसान मानता है, क्योंकि मिलवर्दी फे की मदद करता है। और मेजर वीर यह एक्सेप्ट कर लेता है कि वह न्यू डॉन से मिला हुआ है। उसी वक्त फाइलो संसद के बाहर आ जाता है और सिक्योरिटी को मिलवर्दी से मिलवाने को कहता है। अंदर जब सभी लोग संसद की ओर जाने लगते हैं, पर उसी वक्त फाइलो वहां आकर के मिलवर्दी को बता देता है कि मेजर वीर ही स्पैरस है। वहीं दूसरी तरफ कार्निवल रो में एग्रियस किसी तरह से लियोनोरा के अड्डे से बचकर भाग जाता है, और कार्निवल रो के अंदर लियोनोरा अपने लोगों को हमला करने के लिए तैयार कर रही है। वहीं कार्निवल रो के बाहर थैच और कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सार्जेंट डॉम भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें धमकी भी देते हैं कि सार्जेंट डॉम भी को इंसानों के साथ ही रहना है, इसलिए उन क्रिच के कारण खुद को वो मुसीबत में मत डालें। और फिर सार्जेंट डॉम भी गेट खोल देता है। गेट खुलने के बाद थैच बाकी इंसानों के साथ अंदर आ करके मासूम फे को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। उसी दौरान केन और विनियट वहां आकर के एक इंसान को मार देते हैं, जिसके कारण वो गुस्सा होकर के केन और विनियट का पीछा करते हैं। केन और विनियट उन्हें एक चौराहे के पास ले आते हैं, जहां पर लियोनोरा अपने लोगों के साथ इंतजार कर रही है। उसी चौराहे के पास थैच और बाकी इंसान वहां आकर के आग लगाने लगते हैं, और केन और विनियट दोनों वहीं पर छिप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइलो वहां आकर के जब मिलवर्दी को बताता है कि मेजर वीर ही स्पायरस है, तब फाइलो मिलवर्दी को संसद खाली करवाने को कहता है, लेकिन उसी वक्त मेजर वीर स्पायरस बन करके पैक्ट के अम्बेसडर को जान से मार देता है और संसद के लोगों को मारने के लिए संसद की ओर भागता है। पर फाइलो दरवाजा बंद करके स्पायरस को रोकने लगता है, पर स्पायरस उसे जान से मारने लगता है। पर उसी वक्त टर्मलिन अपने जादू से उस स्पायरस को कार्निवल रो से ही फाइलो को मारने से रोक लेती है।
उसके बाद वो स्पाइरस वहाँ से भाग करके कार्निवल रो चला जाता है और फाइलो यह समझ जाता है कि वो स्पाइरस टर्मलिन को मारने के लिए जा रहा है। इसलिए फाइलो टर्मलिन को बचाने के लिए कार्निवल रो की तरफ भागता है। और इधर कार्निवल रो में जब वो लोग आग लगा रहे होते हैं, उसी वक्त स्पाइरस वहाँ आ जाता है। उस स्पाइरस को देख कर विनियट समझ जाती है कि स्पाइरस टर्मलिन को मारने जा रही है और विनियट टर्मलिन को बचाने के लिए जाने लगती है, पर केन उसे रोकता है। उसी दौरान एक आदमी केन को गोली मार देता है। उसके बाद विनियट वहां से भाग जाती है। उसी वक्त लियोनोरा अपने लोगों के साथ उन इंसानों पर गोली चलाने लगती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टर्मलिन अंदर बैठी होती है और उसे एहसास हो जाता है कि स्पाइरस उसे मारने यहाँ आ चुका है। तब टर्मलिन बाहर आकर उस स्पाइरस से लड़ने लगती है। उसी वक्त डेरियस वेयर उर्फ बन करके वहाँ आ जाता है और उस स्पाइरस पर हमला करता है, लेकिन वो स्पाइरस डेरियस को घायल करके बाहर फेंक देता है और टर्मलिन फिर से स्पाइरस से लड़ने लगती है। और तभी विनियट वहाँ आ करके टर्मलिन की मदद करती है, लेकिन स्पाइरस उस पर भारी पड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। उसी वक्त फाइलो भी वहाँ आ जाता है और वो स्पाइरस को गोली से मार देता है, जिसके बाद वो स्पाइरस मर जाता है। और वहीं पर डेरियस अपने असली रूप में आ जाता है और वो भी मर जाता है। और फिर फाइलो उस स्पाइरस की लाश को उस चौराहे के पास ले जाता है और बताता है कि संसद अब सुरक्षित है। यह जानकर लियोनोरा पीछे हट जाती है और अपने लोगों को छिप जाने को कहती है, जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आकर के सभी को पकड़ने लगती है। तभी थैच जो छिपा हुआ था बाहर आकर के फाइलो को गोली मार देता है, जिसे देख करके सार्जेंट डॉम्बी थैच को गोली मार के जान से मार देता है। वहीं कार्निवल रूम में लियोनोरा छिप करके भाग रही होती है, लेकिन तभी एग्रियस उसे पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाने लगता है। पर लियोनोरा पुलिस के पकड़े जाने से पहले यह कहती है कि उसने क्रांति का बीज बो दिया है, और यह बोलकर वो खुद की जान ले लेती है। फिर सीन शिफ्ट होकर कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि मिलवर्दी कार्निवल रूम में अपने कोबोल्ड के साथ फाइलों के बारे में नाटक दिखा रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि सभी को पता चल गया है कि फाइलो एब्सोलम ब्रिक्सपेयर का बेटा है और आधा फे और आधा इंसान है, इसलिए वो उसे चांसलर बनाना चाहते हैं। पर संसद में फाइलो चांसलर खुद ना बन करके एक फे को चांसलर बनाने को बोलकर चला जाता है, जिससे संसद में हंगामा हो जाता है और कार्निवल रो चला जाता है, जहां अभी फिलहाल के लिए शांति है और सभी लोग खुशी के साथ रह रहे हैं। फाइलो यहां डोम्बी से मिलता है, जो कि अब इंस्पेक्टर बन गया है। डोम्बी फाइलो से अपने बर्ताव पर माफ़ी भी मांगता है। उसके बाद फाइलो मिलवर्दी से मिलता है और मिलवर्दी फाइलो को बताता है कि तुम एक अच्छे चांसलर बन सकते थे। अंत में फाइलो को यह पता चल जाता है कि मिलवर्दी उसकी माँ एसलिन को पसंद करता था, इसलिए मिलवर्दी को फे से इतना लगाव था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एग्रियस और इमोजी ने मिल करके इलेक्ट्रिक का बिजनेस खोला है और एग्रियस सभी को अपना नया इनोवेशन दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पिक्स टर्निनोक चले गए हैं, जहाँ टर्मलिन और विनियट खुशी से रह रही है, और यहाँ पर सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह था कार्निवल रो सीजन 2 का लास्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकें। थैंक यू।